I'm continuing with this question paper. Okay. So if you have any query, you can ask in between, but listen to the answers very, very quickly so that we can finish it before your PTM. Okay. PTM पे बेटा आज आप लोगों के पास अगर कोई आंसर अनचेक्ड अनमार्क्ड रह गया है या अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके मार्क्स टोटलिंग में या मल्टीप्लीकेशन में फर्क आ रहा है तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस आप मेरे पास लेके आएंगे. ठीक है, आंसर्स आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग. ठीक है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो वो आप मेरे के अभी से पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. दिस इज सेट ए 14th क्वेश्चन. दिस इज रफ ईआर स्मूथ ईआर मैच द कॉलम है. रफ ईआर स्मूथ ईआर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एपरेटस. कॉलम टू में गिवन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एरोबिक रेस्पिरेशन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस. तो बताइए मुझे आर ई आर क्या करता है. रफ ई आर, रफ ई आर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है या ग्लाइकोप्रोटीन. दैट इज आर ई आर इज सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स. एस ई आर सिंथेसाइजेज व्हाट? लिपिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेज द, सॉरी, इट हेल्प्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड गोल्जी हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, सो दिस इज आंसर इज डी. Answer D for 14th question. Let me write it also. Question number 14. Answer is D. Then 15th. Coralloid root is the feature of what? Coralloid root is a feature of cycas. That is A option. Right? Which of the following pairs are correctly matched? Gamma cup to Markansia. Is it the correct match? Gamma cup to Markansia. करेक्ट है ना. नेक्स्ट इज ड्वार्फ शूट टू जिंको. जिंको इज अ जिम्नो. बताओ. ये भी करेक्ट है. हमने पढ़ा था पाइनस में और जो जितने हमारे ये इफेड्रा वगैरह हैं इनके अंदर क्या होती हैं, दो तरह की शूट्स होती हैं जिम्नोज में, मेल एंड फीमेल. कॉन्स भी अलग अलग बनती हैं, है ना. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. देन इज प्रोटोनिमा टू मोसिस. प्रोटोनिमल स्टेज इज फाउंड इन द मोसिस. Yes or no? No? Protonymal stage. Yes, it is found. Protonymal stage is there. Anjali is saying yes. So protonymal stage is there in the mosses. And sporangiophore is found in the equisetum. Equisetum mein sporangiophore kehte hain. Jo stalk-like structure hota hai, usko sporangiophore kehte hain. Jaise fungi mein humne kiya tha. Jiske upar sporangium bare hota hai. So this is the sporangiophore. So yes, sporangiophore is not found in the Equisetum. Equisetum is a member of the Pteridophyta. Okay. So 16th ka answer is A. Right. Next is 17th question. Select the correct statements. Methanogens are present in the gut of the ruminant animals. NCERT padhi hai, to ye wali statements aati hongi. Ye statements aapki li thi from the NCERT book. Anji, this is correct. Ye given hai aapki NCERT mein. Mycoplasma has distinct cell walls. Mycoplasma is a group of bacteria, Monera, है ना. तो उसमें तुमने लिखा था that they lack a cell wall, है ना. तो ये wrong हो गया. Viroids are infectious naked DNA molecules. Viroids क्या होते हैं? कल्ला उसमें genetic material होता है ना, capsid नहीं होता. This is again viroids are infectious naked such RNA होता. डीएनए नहीं होता उसमें. आपने वो की थी ना डिजीज, टीओडाइनर ने की थी जो स्पिंडल डिजीज, टीओडाइनर की कंट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है, देखना वहां पे. वायरेट्स आर द इन्फेक्शियस नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, नॉट डीएनए. बाकी सेंटेंस सही है. नेक्स्ट इज एल्गल कंपोनेंट्स ऑफ द लाइकन इज फाइकोबायोन्ट्स. यस, लाइकन में एक एल्गल कॉम्पोनेंट होता है, एक फंगल कॉम्पोनेंट होता है. एल्गल कॉम्पोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और दूसरा फंगल को बोलते हैं माइकोबायोंट. ठीक है, सो 1 and 4 आर करेक्ट एंड दिस आंसर इज 17th का बी. 17th आंसर इज बी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल्स आपने कैसे पहचानने हैं बताओ. ये लाइफ साइकिल्स हैं. हाँ जी, यू कैन सी ये रहे लाइफ साइकिल्स. कैसे पहचानेंगे आप ये सारे लाइफ साइकिल्स? फ्रॉम द स्टेजेस, है ना. स्टेजेस में अब देखो, जैसे फर्स्ट है, इसमें स्पोरोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस, सिनगैमी, जाइगोट. क्या हुआ? स्पोरोफाइट
2n है, ठीक है, गेमिटोजेनेसिस हुआ, वो डिजीज सॉरी वो क्या है, डिविजन है, मियोसिस डिविजन है, सिनगेमी प्रोसेस है, दूसरा उसने जायगोट दिखाया वो भी 2n है, तो ज्यादा क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2n फेज, तो ये कौन सा होगा, डिप्लॉन्टिक है ना, दिस इज 18th क्वेश्चन, ठीक है, डिप्लॉन्टिक। सेकेंड वाला क्या है, जायगोट मियोसिस स्पोर्स, n लिखा है, देखो सेकेंड वाले में दो जगह n n लिखा हुआ है, स्पोर्स में और गेमिटोफाइट में, और जायगोट में सिर्फ 2n लिखा है, तो ये कौन सा हुआ, हैप्लॉन्टिक। थर्ड वाले में देखो 2n भी दो जगह लिखा है, n भी दो जगह लिखा है, मतलब इक्वल इक्वल, तो ये कौन सा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन इज ए, 18th आंसर इज ए। नेक्स्ट इज मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन, हाँ जी मैनिटोल, ये एग्जाम्पल ही गिवन है आपको फिर से, मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड है, ग्रीन एल्गी का, नहीं ग्रीन एल्गी का, सो कारा इज अ ग्रीन एल्गी, दैट इज एन एग्जाम्पल, और इसका डायग्राम भी बना हुआ है आपके उसमें। ओके नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मोनोशियस, मोनोशियस मीन्स बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कौन है इनमें से, मार्केंशिया, पाइनस, पपाया एंड साइकस, हाँ जी बताओ बाइसेक्सुअल कौन है, मोनोशियस, मार्केंशिया में देखो दोनों है, थ्री डी फोर आर्किकोनियो फोर अलग अलग होते हैं, पपाया में भी आपको पता है दैट इज, इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर नॉट द बाइसेक्सुअल फ्लावर, साइकस एंड पाइनस जिम्नो है, ठीक है, तो पाइनस में जो इसकी शूट्स हैं डिफरेंट हैं, कोन्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मोनोशियस कंडीशन पाइनस में आएगी, साइकस में भी हमारे पास अलग अलग, वो तो बिल्कुल डिटो प्लांट ही अलग अलग है, ठीक है, साइकस में। सो द आंसर फॉर दिस इज बी, 20th आंसर इज बी, 21, दैट इज assertion रीजन, लिसन, ओके 21, प्रोटोनिमा ऑफ फनेरिया resembles ग्रीन एल्गी, इज इट ट्रू, पुट योर थम्स अप फॉर ट्रू एंड थम्स डाउन फॉर फॉल्स, यस इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू अंजलि, वेरी गुड, प्रोटोनिमा फनेरिया का जो है दैट resembles द एल्गी बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, इट इज थेलॉइड rather than differentiation into the root stem and leaf, it is thalloid and it is protonemal stage. Reason it, it forms in 3D and archegonia, that is purely false, kyunki abhi humne kya bola ki wo thallus like hai, in 3D archegonia ki differentiation nahi hoga, so it is false, so answer is C, assertion true, reason false, theek hai. Next is in basal presentation many ovules are present, haan ji ये तो assertion ही wrong है ना, ये assertion ही wrong है, basal में सिर्फ एक ही होगा, so 22 D, यहाँ पे reason पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही है, very good Anjali. Next is assertion 23rd, cardiac muscle contract rapidly like striated muscle but do not undergo fatigue, cardiac muscle contract rapidly but do not undergo fatigue, fatigue means थकावट नहीं होती है, correct, yes, Anjali is giving the responses very frequently but others they are not giving, Manjot good, Diya good, so here is cardiac muscle thakti nahi hai kyunki beat hoti rehti hai, ekdam se bhi contract kari jati hai, hai na, kai bar arrest, cardiac arrest kyun ho raha hai, that is because of it, hai na, even jab aap ekdam se frightened hote ho, jab ekdam se darte ho tab bhi ekdam se wo jhatka sa lagta hai na, to contraction hota hai, saans phoolta hai, hai na, so that is all because the cardiac muscle contracts rapidly, ठीक है, बट दे डू नॉट फटीग, ये फटीग नहीं करती है, थकती नहीं है, रीजन इज कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदमिक एक्शन देती है, करेक्ट है, रिदमिक एक्शन मतलब दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है, पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्शन का या नहीं, नहीं है, उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, फटीग नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन, तो रीजन सही है क्या, नहीं हमने क्या बोला ऊपर कि वो थकती नहीं है, नीचे बोल रहे हैं रिदमिक एक्शन है, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, सो आंसर इज ए, क्योंकि वो थकती नहीं है बिकॉज दे आर शोइंग रिदमिक एक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एकदम से रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो रिलैक्स भी कर रही है, जब वो रिलैक्स कर रही है तो दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी दे आर नॉट अंडरगोइंग द फटीगनेस, ठीक है,
नेक्स्ट इज 24th. ओके, हाईएस्ट स्टेट्स ऑफ एंट्रोपी इन द लिविंग सिस्टम इज एट डेथ. इज इट करेक्ट? व्हाट इज द एंट्रोपी? हाईएस्ट स्टेट ऑफ एंट्रोपी हीट लॉस, वही होता है. एंट्रोपी क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा एंट्रोपी, एंथैल्पी पढ़ी है, टर्म्स पढ़ाई है मैम ने. क्या होता है एंट्रोपी? दैट इज कंसर्न टू द हीट, है ना. सो व्हेन द पर्सन डाइज ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट आउट, है ना. सो दैट इज, इट इज हाईएस्ट व्हेन द पर्सन डाइज, दैट इज एट द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. करेक्ट, दिस इज राइट मंजोत. नेक्स्ट इज रीजन, फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेथ. फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेथ, इट इज रॉन्ग मंजोत. वाई? नहीं, गलत नहीं है. फ्री एनर्जी टू प्रिवेंट डेथ, देखो जब भी उसने बोला कि एनर्जी लॉस है तो डेथ हो रहा है, और जब भी उसको जिंदा रखना है तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी चाहिए, है ना. तो ये उल्टा स्टेटमेंट्स है दोनों, पर रीजन नहीं है एक दूसरे की. स्टेटमेंट्स उलट कर दी हैं, रीजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आंसर बी आएगा यहाँ पे, समझ गए. टू प्रिवेंट डेथ देयर शुड बी फ्री एनर्जी, मीन्स फ्री एनर्जी मीन्स अवेलेबल एनर्जी, तभी तो हम लिविंग सिस्टम काम कर पाएंगे. राइट, वेरी राइट मंजोत, गुड. नेक्स्ट इज 25th. फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. करेक्ट, यस. नेक्स्ट इज रीजन, फैटी एसिड ऑफ फॉस्फोलिपिड हैव किंक्स व्हिच डज नॉट अलाउ द पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स. फैटी एसिड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के जो फैटी एसिड्स हैं उनमें किंक्स, किंक्स मतलब उनमें ब्लॉकेजेस या हिंड्रेंसेज हैं. यस अंजलि, दैट्स करेक्ट. विच डज नॉट अलाउ द पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो एकदम से, जैसे सॉलिड स्टेट में होता ना, मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन इज अ सॉलिड, ऐसा शीट, है ना. तो इसमें क्या है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होती है, कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्टनेस नहीं लाने देता, बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं उसकी फैटी एसिड की वजह से. तो रीजन है कि नहीं है, बन गया रीजन. सो आंसर इज ए, ठीक है. आई गेस यू पीपल आर गेटिंग. बेटा जस्ट बिफोर दिस पीरियड आई सेंट यू द सिलेबस फॉर टर्म टू, ठीक है. दैट्स द होल सिलेबस ऑफ टर्म टू अलॉन्ग विद द डिलीटेड चैप्टर्स ऑल्सो, जो हमने टर्म वन में डिलीट किए थे, ठीक है. वो दोनों चैप्टर्स भी वहां पे आएंगे, बट टर्म टू का एज अ होल पहले हमने ये वाला सिलेबस खत्म करना है जिसका मैंने फोटो भेजा आपको, ठीक है. अब वहां आपका पेपर अब से आगे, क्योंकि दिस वॉज योर पेपर एज टर्म पेपर, ठीक है. इट वॉज नॉट रिटन ऑन योर क्वेश्चन पेपर एज पीरियोडिक टेस्ट, इट वॉज अ टर्म वन पेपर, ठीक है. ये टर्म वन खत्म हो गई है आपकी, राइट. टर्म वन इज फिनिश्ड. नाउ दिस टर्म पेपर दैट हैज बिन एंडेड, योर एमसीक्यूज पोर्शन हैज बिन एंडेड. नॉट एज अ होल पेपर यू विल बी गेटिंग फॉर द एमसीक्यूज, बट यू विल बी गेटिंग द प्रोपोर्शनेट, जितना भी अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज बोलेंगे हमें, जितने भी बोलेंगे उतने एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे, बट सारा पेपर एमसीक्यू में नहीं आएगा. अब आपको सब्जेक्टिव आना है, ये जितनी रीजंस मैं बोल रही हूँ ना, जिस तरह से ये सब लिखनी पड़ेंगी अब आपको, ठीक है. समझ गए मेरी बात. जैसे अब असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन आपको एमसीक्यू में आ सकता है. नेक्स्ट पेपर जो होंगे आपके, अगर उसमें सपोज आपको आउट ऑफ 50 10 एमसीक्यूज बोलते हैं, 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर बोलते हैं, तो 10 के 10 एमसीक्यूज हर अलग तरह के होंगे. डायग्राम आइडेंटिफिकेशन, डायग्राम लेबलिंग आएगा, जो भी मैच द कॉलम आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स हो गए, असर्शन रीजंस हो गए. तो ये सारे क्वेश्चंस, 10 सॉर्ट्स, 10 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो सब आएंगे आपके एमसीक्यू में. तो इसको लाइटली नहीं लेना, ये नहीं समझना कि अब हमारा बस खत्म हो गया टर्म वन तो हम रिलैक्स हैं, नो. ठीक है, हो सकता है 50-50 हो जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 50-50 हो जाए, हो सकता है 10 and 40 हो जाए आउट ऑफ 50, ठीक है. So nothing is sure till now, but you will be facing these MCQs in further also, but less in number, not as a whole paper. ठीक है, चलो. next is this case study. I told you case study में से question कुछ नहीं आता है, sorry, case study में से answer कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपका concept based होता है, ठीक है. So case study में हमारा 26 question है. As we go from species to kingdom, species मतलब थल्ले से नीचे से ऊपर, kingdom. In a taxonomical hierarchy, the number of the common characters will decrease, will increase, remain same,
may increase or decrease. हाँ जी, what happens? Common characters. नीचे से ऊपर जाते हुए common characters will, yes Aditi, they will increase or decrease? Decrease. कॉमन करेक्टर्स स्पेसिफिसिटी बढ़ती है. मैंने क्या बोला था, किंगडम से स्पीशी आते आते स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, इसलिए नाम स्पीशीज है ना. तो ऊपर जाते हुए कॉमन करेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, स्पेसिफिक करेक्टर्स नीचे आने पे हमारे पास बढ़ते जाएंगे. सो दिस इज आंसर इज 26A. ठीक है, नेक्स्ट इज जीनस रिप्रेजेंट्स. What does genus represent? An individual plant or animal, a collection of the plant or animal, group of closely related species of plant and animal, none of these. That is group. है ना? Group. Let me check also. हाँ. So this is group of closely related organisms. Closely related सिर्फ genera में आते हैं और it's a group. Genus is not one individual. Species is an individual. ठीक है? Systema Natura, that is written by किसने लिखा था? सिस्टेमा नेचुरा लीनियस ने, लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनमी, उन्होंने लिखा था. ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इन हिज बुक ओनली ही डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स, राइट. नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स. विच वन आफ्टर फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. कंट्रारी मीन्स विच इज नॉट यूज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपके ऑप्शंस हैं, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, इज इट रॉन्ग? तो यही है. सबसे पहले इट इज ओनली रिटन इन लेटिन लैंग्वेज, है ना. द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड स्पीशी, ये सही है. ठीक है, द नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड दे आर इटैलिसाइज्ड, अगेन करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, करेक्ट. ठीक है, सो ओनली वन इज wrong. First one is wrong. A. Some yeast, sugar and water are mixed in a test tube. The diagrams show the test tube at the start and after 1 hour. पहले जब हमने डाला तो yeast, sugar, water हो गया इकट्ठा. फिर उसके थोड़ी देर बाद हमें second वाला इसमें मिल गया. Now which process causes this change? किस process की वजह से ये change आया? Growth, reproduction, irritability and respiration. ग्रोथ तो हुई नहीं है. देखो इसमें ग्रोथ तो किसी चीज की नहीं हुई. डाला क्या आपने? यीस्ट डाला, शुगर डाला, वाटर डाला. ठीक है, ग्रोथ नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन भी नहीं हुआ. ठीक है, बड़े भी नहीं हुए यीस्ट, रिप्रोड्यूस भी नहीं किए हैं. यहाँ पे आगे रेस्पायर किए हैं क्या? रेस्पिरेशन. यीस्ट रेस्पायर्स एनरोबिकली एंड एनरोबिकली इट कन्वर्ट्स द शुगर इंटू द एल्कोहल. ऐसे ही होता है ना, फर्मेंटेशन. इरिटेबिलिटी इज द आंसर, वैसे मैंने जो मार्क किया है, बट स्टिल आई विल चेक दिस. मे बी रेस्पिरेशन, आई विल चेक दिस, राइट, एंड आई विल गिव इट इन योर ग्रुप इफ दिस इज एन आंसर. बट आई हैव मार्क्ड दिस बी, इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी मीन्स दैट इज, इट इज रिएक्टिंग टू द केमिकल्स. ठीक है, बट रेस्पिरेशन मे हैपन, मे बी देयर, रेस्पिरेशन कैन बी देयर. Just hold on. Okay, next is the second passage. Second passage. One second. हाँ जी, now second passage, 31st question. Cell wall of bacteria and blue-green algae is composed of what? Blue-green algae और दूसरी जो है bacteria. इनकी वॉल में चिटिन नहीं होता, फॉस्फोलिपिड नहीं होता, लिपोप्रोटीन नहीं होता, मोरामिक एसिड होता. ठीक है, सो दैट इज 31 इज ए. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ अभी दोबारा बाद में. मे बी रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो कम, आई चेक. ठीक है, फिलहाल ये तो सही है. 30th का बी है, डी विल, आई विल चेक फॉर डी. ओके, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ मोरामिक एसिड, डन. नेक्स्ट इज लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. ठीक है, दैट इज बी. हाँ जी, 32 इज बी. वायरसेस हैव, व्हाट डू दे हैव? डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट. डू दे हैव डीएनए?
they may have DNA, they may have RNA, but in closing protein code, correct? They have the prokaryotic nucleus. Prokaryotic nucleus, yani nucleoid, nahi hota unke andar. Hai na, nucleoid term hum nahi use karte unke liye. Next is single chromosome. Again, not fixed. Theek hai? That is fixed in the prokaryotes. Both DNA and RNA. In a single protein code, dono cheeze nahi ho sakti. So this is only one, that is DNA enclosed in a protein code. So this is 33A. Next is 34. 33 is A. 34, archaebacteria differ from eubacteria in. Archaebacteria kis cheez mein differ karta hai eubacteria se? Haanji. Cell membrane structure, mode of nutrition, cell shape, mode of reproduction. Archaebacteria eubacteria se differ karta hai sirf apni cell membrane se. क्योंकि वो हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर पाती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट. सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. 34 इज ए. 35, फॉलोइंग अदर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. द अर्लिएस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रेज्यूमेबली एनएरोब्स. करेक्ट, जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे अर्थ पे वो क्या थे? नॉन ग्रीन थे और एनएरोब्स थे. हो सकता है तभी उसने बाद में एडवांसमेंट पकड़ा है ना. तो दिस इज करेक्ट. द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन. ऑटोट्रॉफिक भी पहले तो कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, बाद में मॉडिफिकेशन आई तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स बने. ठीक है, अगर आपको ऐसा ना पता हो कि हमें क्या पता कि पहले कौन से आए तो बाद में कौन से आए, ऐसी चीज अगर ना पता हो तो आप लोगों ने देखना है कि जब मैंने आपको प्लांट किंगडम करवाया, आगे भी जब आपको किंगडम एनिमेलिया भी करवाएंगे, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हमेशा पहले मेंशन जब भी करेंगे हम, पहला जो करेक्टर मेंशन करेंगे, ग्रुप मेंशन करेंगे, वो हमेशा प्रिमिटिव वाला होगा. बाद में हम एडवांस की बात करते हैं. ठीक है, करेक्टर हो, ग्रुप हो, कुछ भी लिविंग्स में. तो यहाँ पे एनएरोब और एरोब दो करेक्टर्स हैं. अब इनमें से प्रिमिटिव कौन सा होगा? एनएरोब, एरोबिक वाला एडवांस. ठीक है, ऐसे ही उसने बोला ऑटोट्रॉप्स में कीमो एंड फोटो. कीमो प्रिमिटिव थोड़े रह गए और फोटो वाले एडवांस ज्यादा होंगे. ठीक है, जो एडवांस होंगे वो ज्यादा होंगे, जैसे ह्यूमन है कितने ज्यादा. ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना. सो दिस इज वन एंड टू बोथ आर करेक्ट. सी इज एन आंसर फॉर 35. सी इज एन आंसर. 35 इज सी. ओके, नेक्स्ट 36. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा रिप्रेजेंट्स. जेनरा के ऊपर क्या होता है? फैमिली. डी है ना, रिलेटेड जेनरा तो उसी में ही आएंगे. 36 इज डी. नेक्स्ट इज 37. न्यू सिस्टेमिक सिस्टमैटिक इंट्रोड्यूस बाय सर जूलियन हक्सले इज ऑल्सो नोन एज बायोसिस्टमैटिक्स. ठीक है, बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं जो न्यू सिस्टमैटिक्स आई है हमारे पास. दिस इज ए. 37 इज ए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर. अब इनमें से हायरार्कियल ऑर्डर कौन सा करेक्ट नहीं है? सिंपल है, जो करेक्ट नहीं है. क्लास फैमिली जीनस सही है, ऑर्डर नहीं बीच में डाला पर वैसे तो सही है. ठीक है, फाइलम ऑर्डर फैमिली. क्लास ऑर्डर फैमिली सही है, क्लास ऑर्डर फैमिली फिर से सही है. डी वाला क्या है? फैमिली ऑर्डर क्लास, ये गलत है ना. तो डी इज एन आंसर. दिस इज 38. D is an answer. 38. 39. Select the incorrect statements. Incorrect statement बतानी आपने कौन कौन सी है इनमें. Lower the taxon, more are the characteristics that the members within the taxon share. हाँ जी, जितना नीचे character taxa होगा उतने ही उसके members share करेंगे characters. Yes, it's true. आपको incorrect ढूंढने हैं. ठीक है, okay. Order is the assemblage of genera. नहीं, फैमिली होता ही रॉन्ग हो गया. क्लास ऑर्डर फैमिली जेनरा. फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ जेनरा. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स. बी फॉल्स हो गया. बी हमारा तीन में है, ए बी सी में. नेक्स्ट इज कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडे. ये आपकी एनसीईआरटी से था. फॉल्स है ये. ओके, अंजलि इज सेइंग फॉल्स. गुड. नेक्स्ट इज डी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस. Was it introduced by Carolus Linnaeus? Yes, it was introduced. है ना? He is father of binomial nomenclature.
सो डी करेक्ट है, यानी हमारे पास बी एंड सी रॉन्ग हुआ। 39 का आंसर है सी, ठीक है। हाँ जी 39 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज अगेन द मैच द कॉलम, ग्रुप प्रोटेस्टा विद एग्जाम्पल। क्राइसोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या दी है? डायटम्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स गोनियोलक्स, यूग्लिनॉइड्स यूग्लिना, एंड प्रोटोजोन्स पैरामीशियम। सो आंसर इज बी। 40th का, हियर आई एम राइटिंग फॉर 40th, आंसर इज डी करेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट इज 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सेलेजिनेला करेक्ट ढूंढना है। सेलेजिनेला इज हेटरोस्पोरस व्हाइल सेल्वेनिया इज होमोस्पोरस। हाँ जी फॉल्स। अंजलि क्या फॉल्स है इसमें? सेलेजिनेला हेटरोस्पोरस है, सेल्विनिया, सेल्विनिया क्या होती है? सेल्विनिया फ्लावर है। सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, सॉरी वो सेल्विया होता है, सेल्विनिया सेल्विया फ्लावर होता है, सेल्विनिया आई एम नॉट श्योर। चलो बाकी देखते हैं, इनकरेक्ट मिल जाएंगे। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस, फॉल्स। हॉर्स टेल्स जिम्नोस है, गलत है। नेक्स्ट इज ये मॉसेस लिवरवर्ट्स के साथ तीसरा ग्रुप होता है हॉर्स टेल्स का। अच्छा नेक्स्ट इज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नो। दिस इज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय द ओवरी वॉल, दैट इज दे आर नेकेड। दिस इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। डी स्टेम्स आर यूजली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। ये रॉन्ग है, सेड्रस में ब्रांच होती है, ठीक है। सो हमारे पास सी आंसर है फॉर ए सेल्विनिया, आई एम नॉट श्योर। दिस इज सी, 41 इज सी। नेक्स्ट इज द मेजर पिगमेंट्स इन रोडोफाइसी आर। रोडोफाइसी के मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए बी, ए सी एंड फ्यूकोसेंथिन, ए डी एंड फाइकोरेथ्रिन। रोडोफाइसी है, फाइकोरेथ्रिन आएगा, सो दैट इज सी इज एन आंसर। सो दिस इज सी, 42 सी। नेक्स्ट इज 43, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप, ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा ये ओवरलैपिंग दे रहा है पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ओवरलैपिंग है तो आपने ट्विस्टेड किया होगा, लेकिन ये ट्विस्टेड नहीं है, पर कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ओवरलैपिंग उल्टा साइड भी दे रहा है आगे वाली साइड भी दे रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ इम्ब्रिकेट। दिस इज इम्ब्रिकेट, 43 बी, ठीक है, ट्विस्टेड नहीं है। नेक्स्ट इज द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, ऑब्वियसली एंड्रोशियम, दैट वॉज ईजी। सो दिस इज 44 बी। इतने आसान क्वेश्चन है फिर भी पास नहीं हुए बच्चे। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर। रॉन्गली मैच्ड पेयर क्या है यहाँ पे? यूनिसेलर ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ गॉबलेट सेल्स। यस गॉबलेट यूनिसेलर होता है, सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलर होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज सलाइवा इज एन एक्सोक्राइन सेक्रीशन। नहीं वो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन है ना सलाइवा, आपकी बुक में मेंशन है, देखो जरा बुक में आपकी एनसीईआरटी में लिखी है ये लाइन, देखो उसके लिए चेक करिए प्लीज। 45 का आंसर बी बनता है, बिल्कुल सलाइवा इज एक्सोक्राइन, ये गलत है। फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स स्मॉल सॉरी स्मूथ मसल्स में होते हैं, कार्टिलेज एरोलर टिश्यू, कार्टिलेज टू एरोलर टिश्यू, ये भी रॉन्ग है। रॉन्गली मैच पेयर ढूंढने आपने, दे करेक्टली मैच ढूंढने आई हैव करेक्टेड द आंसर बी। Here 45, answer is B. ठीक है, but why cartilage roller? Give me a pen. हाँ जी अदिति, one second. हाँ जी बोलो। saliva तो exocrine secretion है ना? saliva exocrine है? Yes ma'am. मैं लिखा है? मैम मैंने net पे देखा अभी। नेट पे देखा है तो फिर ये कार्टिलेज वाला आंसर होगा, इसमें 45 का डी आंसर होगा। यस मैम, दिस इज डी आंसर, दैट इज कार्टिलेज एरोलर टिश्यू, है ना। सो दिस इज डी आंसर, दैट इज द कार्टिलेज टू एरोलर टिश्यू, दैट इज रॉन्ग।
ठीक है. नेक्स्ट इज 46th क्वेश्चन. 46 इज द सेल जंक्शन लाइक टाइट जंक्शन डेस्मोसोम्स एंड द गैप जंक्शंस आर फाउंड इन. कहाँ मिलती हैं ये सारी जंक्शंस 46 सारी तरह के जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में मिलती हैं क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज बहुत तरह के हैं और वो बहुत जगह पे प्रेजेंट हैं तो इसीलिए सारी जंक्शंस जो हैं दे विल बी मोस्टली फाउंड टाइट डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शंस बिकॉज दे आर ऑल्सो फाउंड इन द लाइनिंग सो इट इज फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू. ओके यस. नेक्स्ट इज इंटरकलेटेड डिस्क अकर. कहाँ होती है इंटरकलेटेड? न्यूरॉन में नहीं होती, स्ट्राइप मसल में नहीं होती, मसल एंड नर्व सेल के बीच में नहीं होती, कार्डियक मसल में होती है. 47 इज बी है ना. इंटरकलेटेड इज फाउंड इन द इन बिटवीन द कार्डियक मसल्स. ओके नेक्स्ट इज अ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड सो दैट वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड द अदर इज वेरी लॉन्ग. व्हाट इज द आंसर? इसमें बिल्कुल खत्म नहीं किया है तो ये एक्रोसेंट्रिक आएगा. 48 इज ए. अगर खत्म कर देता एक आर्म विजिबल ही नहीं है तो टीलोसेंट्रिक होता. ठीक है ये खत्म कर लेते हैं दो क्वेश्चंस. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइजेस आर प्रेजेंट इन. डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सी ऑर्गेनेली में होते हैं? लाइसोसोम में. 49th इज बी. विच ऑफ दीज इज रॉन्गली मैच्ड? इज अ रॉन्गली मैच्ड. क्लोरोप्लास्ट टू क्लोरोफिल, इलायोप्लास्ट टू स्टार्च, क्रोमोप्लास्ट टू कैरेटिनॉइड्स एंड अमाइलोप्लास्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स. इलायोप्लास्ट टू स्टार्च. इलायोप्लास्ट इज फॉर फैट्स. ठीक है सो 50th इज बी. 50th इज बी. ठीक है सो दिस इज द फुल क्वेश्चन पेपर. इफ यू हैव एनी डाउट. हाँ जी अंजलि. यस टेल मी. हाँ जी मैम. जो 19th क्वेश्चन है मैनिटोर वाला वो तो ब्राउन एलगी में होता है. बड़ा आवाज ही आपकी बहुत गूंज के आ रही है. जस्ट मिनट तो स्लो करने दो. मैं बोल रही हूँ अब आ रही है आवाज? आई एम नॉट एबल टू हियर इट वेरी क्लियरली. योर वॉइस इज मैम अब आ रही है? हाँ जी बोलो. मैं बोल रही हूँ जो 19th क्वेश्चन था मैनिटोर वाला वो तो ब्राउन एलगी में होता है स्टोर्ड फूड. किसमें उसका सी ऑप्शन नहीं आना? किसमें होता है? 19 ब्राउन. यस मैम उसका सी ऑप्शन नहीं आएगा. मैनिटोल फ्यूकस. यस मैम. यस मैम. आई विल चेक दिस वन आल्सो. गिव मी द पेन नंबर. ओके आई विल क्रॉस चेक इट फ्रॉम द बुक. 19th यू आर सेइंग? ओके मैम. फॉर सी? यस मैम. ठीक है ठीक है. आई विल सी इट. ठीक है. हाँ जी. Any other thing? So for set B, hopefully I'll be sending you the answer key before your PTM. And you can please check the questions, the options that I have written here like this. So कोई भी questions option अगर आपकी mismatch हो रही है यानी आपको controversial कोई answer लग रहा है then you can come up to me. Otherwise don't create a rush कि मैम ये मैंने ऐसे लिखा वैसे क्यों नहीं हुआ ऐसे क्यों नहीं हुआ. For all those queries we will be discussing in the class. ठीक है. Because I am also having my PTM today. So you can please look on if there is any question which is not checked or if there is a difference in the marks, multiplication, totaling, then you can come to me, right? Okay. Anything else? Okay. Thank you so much. Have a great day.